वेल हल्ले हो, कैसे हैं आप? तो नोटबंदी की जो दिक्कतें थी वो धीरे 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 करके काबू में आ रही हैं। तो मैं नहीं, आपका दोस्त स्वप्निल दोबारा सबका वेलकम कर लेता हूँ। नमस्कार, आदाब और सलाम। बच्चे, बूढ़े या जवान, कमजोर या पहलवान, घर वाले या फिर मेहमान, सभी सुने लगा कर अपने कान। इस हफ्ते मैं नहीं कि आपका दोस्त स्वप्निल दोबारा से आपके लिए लेके आया हूँ बॉलीवुड की कुछ दिलचस्प और गर्मा गर्म खबरें, ओनली ऑन योर शो जिसका नाम है बॉलीवुड ब्लास्ट। तो चलिए एक बार एक नजर डाल लेते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस पे। तो इस हफ्ते की हेडलाइंस हैं, सलमान खान साहब ने एक बहुत ही एपिक क्रिकेट का वीडियो शेयर किया है। टोटल 18 डेज के बाद क्या रहा दंगल मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? मधुर भंडारकर टू जॉन सोसाइटी ऑफ सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट। द लेजेंडरी ओमपुरी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। हमारे बिग बी यानी अमिताभ बच्चन साहब को अवार्ड मिला है। ऋतिक रोशन साहब का क्या है कहना रोमांस के ऊपर? वो लेके करके पूरी न्यूज बताऊंगा उस इन गाने के बाद। एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार, सिल्वर लाइनिंग से प्रीति मोंगा बोल रही हूँ। हम लोग डिसेबल लोगों को जॉब्स दिलाने का काम करते हैं। जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं, वो हमें अपना सीवी या बायोडेटा इस ईमेल आईडी में भेज दें, preeti.monga@gmail.com। जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें। और हमारा फोन नंबर है 0987170146। धन्यवाद। क्या सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित, मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई, मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। देखो री बेखुदी मेरे दिल पे ऐसी छाई, तू ही तू मुझ में समाई, बन गई मेरी खुदाई बेलिया। दुनिया हो जाए पराई, ना देना मुझको रिहाई, अब कबूल ना जुदाई बेलिया। देखूंगी समाई, बन गई मेरी खुदा।
जहाँ जहाँ तेरा चेहरा वहाँ वहाँ मेरी आँखें, सोचती हूँ अक्सर मैं तो लम्हा लम्हा तेरी बातें बेखुदी बेखुदी मेरे दिल पे ऐसा छाया तू ही तू मुझ में समाया बन गया तू मेरा साया बिलिया दुनिया हो जाए पराई ना देना मुझको रिहाई अब को भूलना जुदाई बिलिया बेखुदी सा मुक्त सर है इस सीने से यूं लगाना बागी नहीं ये आशिक तेरा है दिल को ना आजमाना बेनजीर तुझसा कोई ना जहां में तो मतों से रहना तू अब जुदा देखूंगी छाई तू ही तू मुझ में समाई बन गई मेरी खुदाई बेलिया दुनिया हो जाए पराई ना देना मुझको रिहाई अब तू भूल ना जुदाई बेलिया लो आ गई नई आजादी मगर बताओ तो सही कौन सी है ये नई आजादी ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की वो कैसे वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ वेल वंस अगेन वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में तो चलिए एक एक करके पूरी न्यूज पर नजर डालते हैं एक्टर सलमान खान साहब ने एक बहुत ही पुराना और बहुत ही एपिक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक फ्रेंडली मैच को दिखाया गया है और वो मैच हमारे राज कपूर साहब और दिलीप कुमार साहब की टीम के बीच में खेला गया और वो मैच का वीडियो है सन 1956 का
हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान साहब के दंगल मूवी अभी भी सिनेमा हॉल्स में छाई हुई है और मूवी की बात करें तो ऑलरेडी 345 करोड़ कमा चुकी है और अभी भी वो सिनेमा हॉल्स में लगी हुई है। हमारे बिग बी यानी अमिताभ बच्चन साहब को यूएस एम्बेसी की तरफ से अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने टीवी का जो सर्वाइवल कैंपेन था उसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया और उसको आगे बढ़ाया। आगे कुछ और न्यूज़ सुनते हैं, एंजॉय द ट्रैक्स एंड स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं दीपेंद्र मनोजा आपको बता रहा हूँ स्मार्ट केन के बारे में। स्मार्ट केन वो डिवाइस है केन के ऊपर लगने वाला जिसकी कि मेन पर्पस है सेफ मोबिलिटी देना, घुटनों के ऊपर का जो ऑब्स्टिकल है उनको डिटेक्ट करना इसका मेन मकसद है। वाइट केन हम लोग जैसे नॉर्मल यूज़ करते हैं उसका बिल्कुल नॉर्मल यूज़ वैसे का वैसा ही करना है, लेकिन स्मार्ट केन उसके ऊपर सिर्फ ये चीज़ ऐड करता है कि घुटनों से सर तक के अगर कोई ऑब्स्टिकल है वो आपको हर्ट ना करें। उदाहरण के तौर पे रास्ते में अगर कोई ट्रक खड़ा है या फिर सड़क पे अगर कोई जानवर खड़ा है, इस तरह की ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करना 3 मीटर के डिस्टेंस से इस स्मार्ट केन से पॉसिबल हो जाता है। दूसरा इसके कुछ यूज़ है बिना टच ये ऑब्स्टिकल का पता लगना, ये हमारी स्मार्ट केन की वाइब्रेशन के पैटर्न से ही हमें पता लग जाए कि हमारे लेफ्ट या राइट या आमने सामने कितनी दूर तक कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ है कि नहीं। इसी तरीके से लाइन क्यू को फॉलो करना, इसी तरह की चीज़ों में विद डिग्निटी चल पाना स्मार्ट केन के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। और इसके चीज़ों को समझ में अगर है इसके वाइब्रेशन पैटर्न से हमें क्या बता रहे हैं तो इतना अगर हम पेशेंटली अगर इसको सीख लें तो ये बड़े काम की चीज़ है जो हमारी सेफ्टी और इंडिपेंडेंस और विद स्पीड मोबिलिटी को एनहेंस कर पाएगी। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन समय की है आवाज यही सुगम भारत अभियान सफल हो सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों सरकारी कार्यालयों स्कूल अस्पताल पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन बस स्टॉप एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है ताकि दृष्टि बाधित श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत सशक्त भारत विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार। तो खींच मेरी फोटो तो खींच।
नशे में हम नहीं है, ये समा नशीला है, पानी भी पीते है तो लगता है तकीला है, वो रश काला है, सुबह घर जाना है, तूने कैसा जादू है किया, लम्हा ये सुहाना है, टाइम नहीं गवाना है, जीने का मजा ले साथिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो वीकेंड। आप सबका कोई ना कोई नया प्लान तो होता ही होगा ना, कभी फिल्म तो कभी यूं ही सिटी के सेंट्रल पार्क के बाहर सेल्फीज खींचना, या फिर कुछ भी मन ना करे तो घर बैठे बैठे अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर लो। आपको पता है हम जैसे कई लोगों के लिए तो आपका ये वाला प्लान भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप डेफिनेटली होगा। मेरा नाम मधु है, मैं देख नहीं सकती, आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, बट यू नो व्हाट, नाउ गुड फूड टॉक्स। अगर आप नहीं समझे तो हम बताते हैं, गुड फूड टॉक्स है इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप, खास दृष्टिहीन, कम दृष्टि, बुजुर्ग, डिसलेक्सिक और ऑटिस्टिक दोस्तों के लिए। अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। असक्षम एंड रेडियो मिर्ची इनिशिएटिव, लोकेशन पार्टनर बारबेक्यू नेशन। लो आ गई नई आजादी, मगर बताओ तो सही कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
Well, once again, welcome back to Radio Udaan, and aap sun rahe hain Swapnil ko Bollywood Blast mein. Well, New Year ke starting में ही हमारे Bollywood को एक बहुत ही तगड़ा झटका लगा है. ओमपुरी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे. ओमपुरी साहब नसरुद्दीन साहब के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, और एक बार ओमपुरी साहब ने नसरुद्दीन साहब की जान भी बचाई एक नाइफ अटैक से. आगे कुछ और न्यूज चलते हैं. यू एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइट. मैं दीपेंद्र मनोजा आपको बता रहा हूँ स्मार्ट केन के बारे में. स्मार्ट केन वो डिवाइस है केन के ऊपर लगने वाला, जिसकी मेन पर्पस है सेफ मोबिलिटी देना. घुटनों के ऊपर का जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करना इसका मेन मकसद है. वाइट केन हम लोग जैसे नॉर्मल यूज़ करते हैं उसका बिल्कुल नॉर्मल यूज़ वैसे का वैसा ही करना है, लेकिन स्मार्ट केन उसके ऊपर सिर्फ ये चीज़ ऐड करता है कि घुटनों से सर तक के अगर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपको हर्ट ना करें. उदाहरण के तौर पे रास्ते में अगर कोई ट्रक खड़ा है या फिर सड़क पे अगर कोई जानवर खड़ा है, इस तरह की ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करना 3 मीटर के डिस्टेंस से इस स्मार्ट केन से पॉसिबल हो जाता है. दूसरा इसके कुछ यूज़ है बिना टच ये ऑब्स्टिकल का पता लगना. ये हमारी स्मार्ट केन की वाइब्रेशन के पैटर्न से ही हमें पता लग जाए कि हमारे लेफ्ट या राइट या आमने सामने कितनी दूर तक कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ है कि नहीं. इसी तरीके से लाइन क्यू को फॉलो करना, इसी तरह की चीज़ों में विद डिग्निटी चल पाना स्मार्ट केन के थ्रू पॉसिबल हो जाता है. और इसके चीज़ों को समझ में अगर है इसके वाइब्रेशन पैटर्न से हमें क्या बता रहे हैं, तो इतना अगर हम पेशेंटली अगर इसको सीख लें तो ये बड़े काम की चीज़ है जो हमारी सेफ्टी और इंडिपेंडेंस और विद स्पीड मोबिलिटी को एनहांस कर पाएंगे. रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मेरा नाम मधु सिंघल है. मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ. इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार है. यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं. इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं. कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं. दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है. आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं. यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625. ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org. वेबसाइट है www.mitrajyoti.org. जुड़ता ही नहीं दिल जाने ना.
सुकून चाहिए पूरी एक आरजू चाहिए जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं वैसे क्यों चाहिए दिल को तेरी मौजूदगी सास यूं चाहिए तू चाहिए तू चाहिए शामो सुबह तू चाहिए तू चाहिए हर मर्तबा तू चाहिए जितनी दफा जिद हो मेरी उतनी दफा तेरे सिवा चाहिए हर सफर में मुझे तू ही रहनुमा चाहिए जीने को बस मुझे तू ही मेहरबान चाहिए सीने में अगर तू दर्द है न कोई दवा चाहिए तू लहू रगों में रवा चाहिए अंजाम जो चाहे मेरा आगाज यूं चाहिए तू चाहिए तू चाहिए शामो सुबह तू चाहिए तू चाहिए तू चाहिए हर मर्तबा तू चाहिए जितनी दफा हो मेरी के आशियाने में तू चाहिए
मैं खोलूं जो आंखें सिरहाने भी तू चाहिए बिट्टू। हाँ यार, तू आया नहीं। मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि No cane, no game. एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां। सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudaan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। वेल वंस अगेन, वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर का कहना है कि सिनेमा इज द बिगेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू कम्युनिकेट विद मासेस। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की बात करें तो उनकी जो पहली मूवी थी उसका नाम था दम लगा के हईशा। वेल, न्यू ईयर पे एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है। एक्ट्रेस जूही चावला ने एक अवेयरनेस कैंपेन को स्टार्ट किया है जो कि प्लास्टिक बैग्स के ऊपर है, और प्लास्टिक बैग्स के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको लेके उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और मैं स्वप्निल इसके पूरे पूरे सपोर्ट में खड़ा हूँ। वेल, एक्टर शाहरुख खान साहब का कहना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि वो वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना जानते हों। एक्चुअली बेंगलुरु का एक वीडियो बहुत ही वायरल हो गया है, और उस वीडियो में वुमेन को कैसे इंसल्ट किया गया है उसको दिखाया गया है। इसके बाद ही बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, वो सभी इसके ऑपोजिशन में खड़े हो गए, ऑपोजिट में खड़े हो गए, और मीडिया चैनल्स पे आके बोल रहे हैं कि वुमेन की रिस्पेक्ट करिए, और ये बहुत ही सच भी है। वो लागे कुछ और न्यूज़ चलते न्यूज़ ज्यादा ट्रैक एंड स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स।
ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है ₹100 और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर admin.office@mitrajyoti.org कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग।
Once again, welcome back to Radio Udaan. आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में. वेल वेल वेल, मिस्टर करण जौहर साहब की एक नई बुक आ रही है. वेल वेल वेल, करण जौहर ओपन अप अबाउट हिज सेक्सुअलिटी, वर्जिनिटी एंड एसआरके इन हिज न्यू बुक. अब इसके ऊपर हम खैर कुछ भी नहीं कहना चाहते. वेल वेल वेल, सलमान खान साहब की अगली मूवी जिसका नाम है टाइगर जिंदा है, उसकी जो शूटिंग वो स्टार्ट हो चुकी है मोरक्को में, और ऐसा कहा जा रहा है कि मूवी 22nd ऑफ दिसंबर को रिलीज होगी इसी साल. वेल फ्रेमो डिसमूजा का कहना है कि मेरी जो सक्सेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से मुझको मिली है. वेल वेल वेल, शाहरुख खान साहब,
वेल, शाहरुख खान साहब अगली मूवी को शूट करने जा रहे हैं और डायरेक्टर का नाम है आनंद एल राय और ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक रोमांटिक मूवी है। Well, आगे कुछ और न्यूज़ चलते हैं। Enjoy the track and stay tuned only on Radio Udaan, a flight of life. सजरी जवानी कहीं जग हो में यार जैसा ना कोई जग हो में यार
वेल वंस अगेन वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में। वेल एक्टर ओमप्री साहब अब हमारे बीच नहीं रहे और ऐसी बहुत सी खबरें आ रही हैं कि ओमप्री साहब की जो डेथ है वो हार्ट अटैक से ना होके किसी और रीजन से हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी उनके हेड में इंजरीज पाई गई है। वेल अब इसके ऊपर तो आगे रिसर्च होके पता चलेगा। वेल उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड नशुद्दीन शाह साहब ने भी कुछ ऐसी बातें शेयर करी हैं मीडिया से और काफी चीजें बताई हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा फिट नहीं रह रहे थे काफी पिछले कई सालों से। वेल रघु दीक्षित को बैन कर दिया गया है सैफ अली खान की अगली मूवी शेफ के लिए। सलमान खान साहब की ट्यूबलाइट जो है वो शायद आखिरी मूवी थी ओमप्री साहब की। वेल मैं यानी कि आपको दोस्त स्वप्निल आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर।